नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी की डाइट, क्या खाएं क्या ना खाएं में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केले के बारे में। केला जिसे सुपर फूड कहा जाता है, ये हर मौसम में आसानी से मिल जाता है और यह बाकी फलों के मुकाबले काफ़ी सस्ता भी होता है। केले में विटामिन, प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों केले को लेकर हमारे दिमाग में अक्सर कंफ्यूजन बनी रहती है कि केला वजन बढ़ाता है या वजन घटाता है। कोई बताता है कि वजन बढ़ाना है तो केला खाओ, कोई कहता है कि वजन को घटाना है तो केला खाओ, कोई बोलता है रोज 2 केले खाओ तो कोई बोलता है रोज 5 केले खाओ, कोई बोलता है केले का शेक बना के पियो, कोई दूध के साथ खाओ, कोई कह रहा है जी मैं तो रोज 4 केले खा रहा हूँ, मेरा तो वजन ही नहीं बढ़ रहा। तो भाई आज की इस वीडियो में ना मैंने पूरी कोशिश की है कि केले को लेकर हर सवाल, हर कंफ्यूजन आपकी ख़त्म हो जाए, वो भी जड़ से। फिर भी अगर किसी भाई का कोई सवाल छूट जाए ना तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केला, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, केला वजन बढ़ाने और वजन घटाने दोनों के लिए यूज होता है। देखो भाई हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है, इस बात को तो आप लोग मानते हो कि नहीं, मानते हो ना। तो बस ऐसे ही केला खाने से आपका वजन बढ़ता भी है और घटता भी है, कैसे ये मैं आपको बताऊंगा लेकिन आगे की वीडियो में। उससे पहले हम ये जानेंगे कि एक नॉर्मल इंसान को जो कि जिम में वर्कआउट करता है उसे किन चीज़ों की कितनी ज़रूरत होती है जो कि केले में भी पाई जाती है। तो दोस्तों एक मनुष्य को एक दिन में वजन बढ़ाने के लिए पोटेशियम 3500 मिलीग्राम, फाइबर 15 ग्राम, कार्ब्स 200 से 300 ग्राम चाहिए होता है। अब वजन बढ़ाने और घटाने में मेन रोल जो होता है वो कार्ब्स का ही होता है। जब आप जितनी कार्ब्स आपकी बॉडी को चाहिए, भाई यहाँ ध्यान से सुनना, जितनी कार्ब्स आपकी बॉडी को नॉर्मली चाहिए उससे ज़्यादा कार्ब आप लेने लगते हैं तो वही एक्सेस कार्ब आपकी बॉडी में फैट बनाने लगता है और आपका वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी कार्ब से ही एनर्जी यानी ऊर्जा लेती है। कितनी? तो भाई मेरे जितनी उसको ज़रूरत होती है ना उतनी वो एनर्जी ले लेती है और बाकी कार्ब्स का फैट बना देती है, तब आपका वजन बढ़ता है। और जिन भाइयों का वेट ज़्यादा होता है जब वो ज़रूरत से कम कार्ब्स लेंगे तो हमारी बॉडी हमारे फैट और चर्बी को जलाकर एनर्जी लेने लगती है और तब हम पतले हो जाते हैं और हमारा वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे कि वज़न बढ़ाने और वजन घटाने के लिए केला कब, कैसे और कितना खाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि केले में क्या और कितना पाया जाता है। तो दोस्तों जो एक बड़े आकार का केला होता है उसमें पोटेशियम 450 मिलीग्राम, कार्ब 25 ग्राम, फाइबर 3 ग्राम और शुगर 14 ग्राम पाई जाती है। भाई इसे आप ध्यान से देख लो और अब समझना। अब वज़न बढ़ाने के लिए आपको 200 से 300 ग्राम कार्ब चाहिए, अगर इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो भी कोई बात नहीं। अब अगर आप मान के चलो कि 4 केले खाते हैं तो आपको उसमें से क्या क्या मिलेगा ये देखते हैं। उसमें से आपको मिलेगा पोटेशियम 1800 मिलीग्राम, कार्ब्स मिलेगा 100 ग्राम और फाइबर मिलेगा 12 ग्राम, शुगर मिलेगी आपको 56 ग्राम। अब इसमें शुगर की मात्रा को देखकर ये मत सोचना कि ये आपको नुकसान पहुंचाएगी, ना एकदम नहीं,
क्योंकि भाई मेरे ये नेचुरल शुगर होती है, तो इसे आप देख ही रहे हैं। तो भाई मेरे अगर आपको वजन बढ़ाना है तो कम से कम 4 केले तो खाने ही खाने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इकट्ठे ही खा लो, 2 सुबह खा लो, 2 शाम को खा लो। अब कुछ दोस्तों के दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि कार्ब्स हमें चाहिए 200 से 300 ग्राम और यहाँ कितनी मिल रही है हमें 100 ग्राम। मुझे पता कैसे कैसे सवाल आपकी खोपड़ी में आते हैं। तो सुनो यार, आप दिन भर में सिर्फ केला ही थोड़ी ना खाओगे, चावल भी खाओगे, रोटी भी खाओगे, अंडे भी खाओगे और भी कई चीज़ें खाओगे, तो उसमें से भी तो कार्ब्स जो है वो और बाकी के तत्व आपकी बॉडी को मिलेंगे ना, वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो आपकी बॉडी में ही आएंगे। मान लो कार्ब्स पूरा करने के लिए आप ज़्यादा केले खा लेते हैं, फिर क्या होगा? आपकी बॉडी में फाइबर जो कि हमें डेली का 15 ग्राम चाहिए वो बढ़ जाएगा, पोटेशियम की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। तो पूरे दिन का मिला करके जब ये सब ज़्यादा हो जाएगा तो नुकसान तो हमें ही होगा ना। तो वज़न बढ़ाने के लिए आप रोज़ 4 से 5 केले खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखते हैं वज़न घटाने वालों के लिए, तो जिन लोगों को तेज़ी से वज़न घटाना है उन लोगों को डेली 50 से 150 ग्राम तक ही कार्ब्स लेना होता है। तो इसके लिए वो लोग थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ 2 केले, बस 2 केले ले, वो भी खाली पेट, बस इससे ज़्यादा नहीं, और बिना ड्राई फ्रूट्स के नहीं खाना है आपको। वज़न बढ़ाने वाले मेरे भाई, केला जिम जाने से पहले आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले खाएं तो ही बेनिफिट मिलेगा। अब आप लोग एक सवाल और पूछते हो कि क्या केला दूध के साथ खाना चाहिए, तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि हमारा आयुर्वेद इसे प्रेफर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि केला और दूध एक साथ लेने से वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, और इतना ही नहीं ये धीरे धीरे आपके डाइजेशन सिस्टम को भी कमज़ोर कर देता है। अगर आपको दूध पीना ही है तो केला खाने के 1 घंटे बाद पीए। केले के साथ आप दही वगैरह ले सकते हैं, और जो भाई केले का शेक बनवा के पीते हैं ना, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कचरा है, कचरा। उसमें केले की जो पावर होती है ना, वो 60% ही रह जाती है। अब ये नहीं बताऊंगा कि कैसे, कभी और बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपकी सारी कन्फ्यूज़न का लफड़ा ही ख़त्म हो गया होगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अगर मेरे भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वो खुद ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, अगर नहीं लगी होगी तो नहीं करेंगे। तो गुरु जी की डाइट में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।